सिन्हाल के घर जो बाल मिला, उस बाल का मालिक अब तक नहीं है। हाँ दवे, पर वो तावीज, वो तो उस मसाला व्यापारी प्रेमलाल का ही तो है। मुझे स्टार्ट से उसी पर ही शक है, उसी ने जमीन के मिसेस सिन्हाल को मारा। पर इससे उसे जमीन तो नहीं मिली। वरुण, तुम कुछ भी कह लो, चरफू ने मारा मिस्टर सिन्हाल, और उसी के किसी साथी ने जयपुर में हम पर हमला किया। क्यों रुकनी, क्या हुआ, सोच रही हो? आपके बॉस केडी पाठक जयपुर कब आ गए? कोर्ट हियरिंग पोस्टपोन हो गई, तो शायद कल ही। केडी पाठक को जयपुर आने से रोक लो। यहाँ पर अगर तुम्हारी जान पे हमला हो सकता है तो उनकी जान भी कुछ खतरे से खाली नहीं। मेरा मानना है कि इस मामले में कुछ और तहकीकात करनी चाहिए, उसके बाद ही उन्हें यहाँ बुलाया जाए, उससे पहले नहीं। पर केडी से जयपुर आने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर केडी से जयपुर आ सकते हैं तो जयपुर भी तो मुंबई जा सकता है ना। अगली अदालत की सुनवाई कब की है? शायद 4 दिन बाद की। गुड, 4 दिन काफी है सबकी परेड के लिए। सारे गवाह मुंबई जाएंगे अदालत की अगली सुनवाई। सुनंदा जी, आपके कथन के अनुसार शरफू आपके साथ नहीं था उस दिन रात को, और आपने उसे बगल के फ्लैट से, मिस्टर सिन्हाल के फ्लैट से जाते हुए देखा था। कैसे, क्या वर्णन दिया था आपने, कैसे जाते हुए देखा था? वो सुबह दूध वाला जल्दी आता है तो थैली बाहर दरवाजे में लटकाने के लिए मैंने दरवाजा खोला था। तभी आपने देखा? जी। ये अदालत में कहा गया है कि सिन्हा साहब अपने परिवार समेत शहर से बाहर गए थे, क्या ये सही है? 10 दिन के लिए, सही है? वो क्या ये भी बात सही है कि उन्होंने दूध वाले को मना किया था कि 10 दिन तक दूध नहीं देना, जब वो लौट कर आएंगे तब बताएंगे, उसके बाद ही दूध देना, ये भी बात सही है? सही है जी। तो एक बात मुझे समझाइए कि जब दूध वाला दूध देने नहीं आने वाला था तो आपके फिर वहाँ दरवाज़ा खोल के बाहर थैली लटकाने का कोई मतलब ही नहीं बनता? यानी कि आपने थैली लटकाने के लिए दरवाज़ा नहीं खोला, और अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो आपने कैसे शरफू को सिन्हाल साहब के फ्लैट से जाते हुए देखा, कैसे मतलब? जी जी नहीं, नहीं देखा। झूठ बोला आपने अदालत में, झूठ बोला आपने। तो क्या मैं सच कहती कि शरफू मेरे पास आया था? सब, अगर मैं ऐसा करती तो मेरी नौकरी चली जाती। सुनंदा जी, अक्सर अदालत में सच ही बोला जाता है। योर ऑनर, सुनंदा जी के इस नए बदले हुए बयान से ये साबित हो जाता है। कुछ नहीं साबित होता योर ऑनर, सुनंदा के घर जाकर भी उसके बाद शरफुल मिस्टर सिन्हाल के घर जाकर उनका खून कर सकता था जो उसने किया। ये गहने और ये पैसे, ये सारे बरामद हुए हैं शरफुल के मामा के घर से। क्या रखवाली के लिए दिए थे उनके पास? सर, मैंने कोई गहने कोई पैसे नहीं देखे कभी, और ना ही चुराए मैंने, और ना ही मैंने मामा के पास छुपाए। सर, कोई मुझे फंसाने के लिए सब कुछ कर रहा है। भैया, मैं बताता हूँ आपको कि ये काम कौन कर रहा है। इस कड़े को देख, कड़ा देख रहे? देख रहा हूँ। इस कड़े को देखकर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कर रहा है ये सब। योर ऑनर, ये कड़ा ना तो मिस्टर सिन्हाल का है, ना ही शरफू का। इस पर वही नाम लिखा हुआ है योर ऑनर जो उस तावीज पर लिखा हुआ था। इस पर आगे अधिक रोशनी डालने के लिए मैं जयपुर से आए बाबा मुस्तकीम को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। प्लीज जरा जन्नत से यहाँ धरती पर आ जाइए इस अदालत में, और बताइए कि ये कड़ा जो है इसे जानते हैं आप? ये कड़ा हमने किसी हमारे मुरीद को दिया था। इसके पीछे आपका नाम लिखा हुआ है बाबा, कड़ा तो आप ही का है। ये सोच रहा हूँ कि आपका कड़ा यहाँ मुंबई कैसे आया? स्पष्ट है कि आप आए होंगे तो कड़े को साथ ले आए होंगे, क्योंकि कड़ा अपने आप तो आ नहीं सकता। क्या कह रहे हो बच्चा, क्या कह रहे हो?
मैं कह रहा हूँ कि आप मुंबई आए होंगे तो कड़ा। हम मुंबई कभी आए नहीं, तो कड़ा मुंबई कैसे पहुंच गया हमारे साथ? गलत कह रहे हैं आप। किन्ना, आपके ये लंबे लंबे बाल, आपका कड़ा, आपकी तावीज तो कुछ और ही संकेत दे रहे हैं मुझे। ये कह रहे हैं कि आप आए होंगे मुंबई अपने किसी मुरीद की मुराद पूरी करने के लिए, मिस्टर सिन्हाल को मारने के लिए। तो सब ठीक तो है? बाबा यहाँ नीचे, ऊपर ऊपर नहीं, नीचे। कि 20 नवंबर की रात को आप कहाँ थे? 20 नवंबर, हाँ, हम चित्तौड़ गए थे। हमारे किसी मुरीद के यहाँ बेटी हुई थी, उसके लिए परवरदिगार से दुआ करने गए थे। वहाँ दुआ करने गए थे हम चित्तौड़ में। अच्छा, और इस बात का कोई साक्ष्य, कोई सबूत है? है सबूत, है परवरदिगार, वो ऊपर वाला जिसे तुझे भेजा है, मुझे भेजा है, वो सबूत है। जो अच्छे के साथ हमेशा रहता है। देखिए, अदालत इन बातों को नहीं मानती। कोई ठोस सबूत है, ट्रेन की टिकट या ऐसा कुछ जो ये साबित करे कि आप चित्तौड़ में थे? मैं दिखाता हूँ तुझे सबूत, दिखाता हूँ। ये है सबूत, ये मोबाइल, इसमें वो तस्वीरें हैं जो चित्तौड़ में ली गई थी, मेरे मुरीद की तस्वीर। ये देखिए, जिसके पीछे बस अड्डा है, ये है सबूत जो तुझे चाहिए। गया सबूत। सबूत चाहिए आपको? अर्थात बाबा मुस्तकी मुंबई में नहीं थे तो उन पर शक करना पॉइंटलेस। शक की सुई आगे बढ़ाइए, टेढ़ी और आगे बढ़ाइए। योर ऑनर, प्रेमलाल जी जयपुर के बहुत ही बड़े और प्रख्यात मसाला व्यापारी हैं और बाबा मुस्तकीम के मुरीद भी। ये मिस्टर सिन्हाल की जो जमीन है, उसे आप खरीदना चाह रहे थे, उस पर आप अपने मसाले का कारखाना डालना चाह रहे थे, सही है ये बात जी? मिस्टर सिन्हाल की जमीन खरीदना चाह रहे थे आप, उस पर अपना कारखाना बनवाना चाह रहे थे या नहीं? और उनकी भांजी है आकृति, आकृति जी का ये कहना है कि आपने न केवल मिस्टर सिन्हाल को बल्कि उन्हें भी जान से मार देने की धमकी दी थी। दी थी आपने? जो भौंके वो काटेनी साहब, धमकी जरूर दी थी पर किया कुछ नहीं। और मिस्टर सिन्हाल के बाद क्या जमीन मारे नाम थी जो मन्ने मिल जाती? नहीं, आपको तो नहीं मिलती, आकृति को मिलती जो मिली है, और उसे धमका कर बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से आप ये जमीन अपने नाम करा लेते। ये तो सब बोलने की बात से। ये कौन सी बात है? अभी का तावीज है ये? अब ये तावीज मिस्टर सिन्हाल के शव के पास पाया गया, जिसका अर्थ ये है कि 20 नवंबर को आप ये तावीज पहनकर मुंबई आए, आपने मिस्टर सिन्हाल की हत्या की और भूल से या गलती से ये तावीज वहीं गिर गया और आप यहाँ हमारे सामने खड़े हैं। सोहाने झूठ, 20 नवंबर को हम मुंबई में थे ही नहीं, हम उदयपुर में थे। क्या कर रहे थे उदयपुर में? हम उदयपुर में, हाँ, अजंता होटल में अपने कुछ दोस्तों के साथ थे। और इस बात को साबित कर सकते हैं? ये डिपार्टमेंट मेरा है यूरोन। 20 नवंबर की रात होटल अजंता में प्रेमलाल जी ने अपने दोस्तों के साथ जो खाया पिया, उसका बिल उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से दिया, जिसके रिसीप्ट, इसके ऊपर नीचे जो सिग्नेचर की है वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने उसकी जांच की है। इसका मतलब है योर ऑनर कि प्रेमलाल जी 20 नवंबर की रात उदयपुर में थे, यानी कि वो मुंबई में नहीं थे, यानी कि वो सिन्हाल जी के घर पे नहीं थे, यानी कि उन्होंने सिन्हाल जी का खून नहीं किया है। हिल गई, शक की सुई हिल गई वापस। घनी खबर साहब, मारा नाम मेहर सिंह है, मैं जयपुर रो एक इज्जतदार व्यापारी हूँ, मोजड़ियों रो कारोबार है मारो, मैं आज तक कानून रे की भी नियम रो उल्लंघन कोनी कियो है। अच्छा,
ये किसी और की जमीन पर स्थित तालाब को प्रदूषित करना, क्या ये कानून के नियम का उल्लंघन नहीं होता? और इसी बात के चलते मिस्टर सिन्हाल ने आप पर मुकदमा भी दायर किया। अरे तो इसके लिए क्या मेहर सिंह जी मिस्टर सिन्हाल का मर्डर करेंगे? हद करते हैं आपके लिए। ऐसी छोटी सी केस को बड़े केस के साथ मत जोड़िए। छोटा केस? छोटा केस कह रहे हैं राणे साहब केस को? मिस्टर सिन्हाल वर्सेस मिस्टर मेहर सिंह, अगर ये केस इतना छोटा होता तो आप इस केस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए, इस केस को अदालत के बाहर दबाने के लिए 25 लाख रुपए का ऑफर नहीं देते? मैं कभी भी किसी ने कोई ऑफर को नहीं दियो। विचित्र बात है, क्योंकि मिस्टर सिन्हाल के वकील घना सिंह जी का ये कहना है कि आपने स्वयं फोन करके ये ऑफर दिया था। सबूत है? सबूत है लिखित रूप में आपके पास कि इन्होंने उस वकील को फोन किया था? विचित्र बातें करते हैं आप कभी कभी राणे साहब। इतने वरिष्ठ वकील है, इतना तो जानते ही होंगे कि नकद दिए जाने वाले मूल्य का कभी लिखित नहीं होता। नहीं है मेरे पास। अगर राइटिंग में कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए। खैर तो खैर, 20 नवंबर को मेहर सिंह जी मुंबई में थे ही नहीं। कहाँ थे आप? जयपुर में तो साहब, चौकी ढाणे में। हाँ, अपने भतीजे की शादी अटेंड कर रहे थे। ये रहे उसी के फोटोग्राफ्स, इसमें मेहर सिंह जी घोड़ी के सामने नाच रहे। अगर चाहिए तो केड़ी इसकी वीडियो भी दिखा सकता हूँ। नहीं धन्यवाद, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हट गई सुई, फिर से हट गई है? शक की सुई। अब किस पर निशाना कर रहे हैं आप? तो आप कहना चाहते हैं कि मैंने सिन्हाल अंकल की जान ली है उनकी जायदाद के लिए? आप शायद भूल गए हैं कि मेरा भी अपना एक होटल है। नहीं भूल रहा कि आपका एक होटल है, ये भी नहीं भूल रहा कि 2 सालों से आपका वो होटल घाटे में चल रहा था, ये भी नहीं भूल रहा कि अपने व्यवसाय को बचाने के लिए आपने UDI बैंक से 1 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, और ये भी नहीं भूल रहा कि आपने अभी भी वो ऋण चुकता नहीं किया है। आपको चुकता करना है। हो सकता है इसी लालच और दबाव में आकर आपने अपने मामा जी को मारने का। तो सब ठीक तो है? मैंने सिन्हाल अंकल की जान नहीं ली है और ना ही 20 नवंबर को मैं मुंबई में थी। जी अदालत सबूत मांगती है, क्या करें? मैं सबूत देता हूँ इसका, एक बड़ा वाला सबूत इनकी बेगुनाही का। दीजिए दीजिए राणा साहब। ये लीजिए मिस्टर सिन्हाल की मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट्स। कड़ी आपको शायद पता होगा कि मिस्टर सिन्हाल को लंग कैंसर था। जी तो? और वो सिर्फ कुछ ही दिनों के मेहमान थे। देखिए राणा साहब, उनकी चिकित्सा चल रही थी, कुछ ही दिनों के मेहमान से क्या अर्थ होता है आपका? इस रिपोर्ट पर डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि वो सिर्फ 2 महीने और जी सकते हैं। अब आकृति उनकी जायदाद की इकलौती वारिस है। 2 महीने के बाद भी वो सारी जमीन, वो सारी जायदाद उसके नाम होने वाली थी। फिर वो 2 महीने रुके बिना वो अपने अंकल का मर्डर क्यों करेगी? इतना बड़ा रिस्क, डजंट मेक सेंस। केड़ी आकृति जी, आप जानती थी कि आपके मामा जी कुछ ही दिन, 2 ही महीने केवल जीवित रहने वाले थे, जानती थी आप इस बात? नहीं जानती थी? हाँ जी, मुझे पता था। आप जानती थी ये बात? जी हाँ। चलिए आपके इस झूठ को सच मान लेते हैं, लेकिन आप ये भी तो जानती थी कि ये जो ऋण आपने UDI बैंक से लिया था उसकी पूर्ति के लिए UDI बैंक ने आपको एक नोटिस भेजा था, जिसके अनुसार अगर आप 1 महीने में उस ऋण का भुगतान नहीं करती तो होटल का अधिग्रहण हो जाता, वो जब्त कर लेते हैं आपका होटल। और अपनी मामा जी की मृत्यु की प्रतीक्षा आप 2 महीने तक नहीं कर सकती थी, क्योंकि 1 ही महीने में आपको उस ऋण का भुगतान करना था, इसलिए आपने अपने मामा जी को मारा। अब मामा जी मर गए, होटल आपका बच गया, समझ में नहीं आ रहा कि उनकी मृत्यु पर शोक जताऊं या बधाई दूं। आप शोक प्रकट करें या बधाई दें, केड़ी आपके साथ तो मुझे शोक ही प्रकट करना होगा, क्योंकि अब भी आपके मुवक्किल शरफुद्दीन पर वही इल्जाम बड़ी मजबूती से बरकरार है।
इसकी एक चश्मदीद गवाह भी है। यू विल लूज दिस केस के लिए। अर्किन शुभकामनाओं को धन्यवाद देता हूँ। योर ऑनर, मृत्यु से पहले स्वर्गीय सिन्हाल साहब ने एक अंतिम फोन कॉल किया था और उस फोन कॉल को पुलिस ने वर्ली के एक किराने की दुकान तक ट्रेस किया। ये उसकी रिपोर्ट है। उस किराने के दुकान के मालिक केशव मेहता जी हैं, जिन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। सर, उस रात गले के पीछे मैं ही था जब एक लेडी ने आकर वहाँ से फोन किया। राइट, तो क्या आप उस महिला को पहचान सकते हैं? इस समय क्या वो अदालत में उपस्थित है? जी सर, ये मैडम थी। क्या मजाक कर रही मैडम, आप ही तो थी उस दिन। मैं कसम खाकर कहती हूँ जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। आकृति जी, कौन सा तेल लगाती है आप बालों में? क्योंकि बहुत घने सुंदर बाल है आपके। योर ऑनर, एक बाल घटना स्थल से हत्या स्थल से बरामद हुआ था। मैं निवेदन करता हूँ कि अदालत पुलिस को आदेश दे कि इस बाल का DNA टेस्ट आकृति जी के बालों से मैच किया जाए। इंस्पेक्टर दवे, प्लीज डू द नीडफुल। इस केस की अगली सुनवाई मिस आकृति की DNA रिपोर्ट मिलने के बाद ही होगी। तब तक के लिए द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सुपर्ब सर, आपने सिक्सर आफ्टर सिक्सर मार के पूरा गेम चेंज कर दिया। सब आकृति का बचना इम्पॉसिबल है, बहुत जल्द केस खत्म। अच्छा, बैठ बैठ। तूने एक बात पर ध्यान नहीं दिया, आकृति अपने दाहिने हाथ का प्रयोग करती है, राइट हैंडेड है, और मिस्टर सिन्हाल की हत्या किसी बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले व्यक्ति ने किया है, लेफ्ट हैंडेड पर्सन। सर, हो सकता है वो दोनों हाथों का इस्तेमाल करती हो। सर, मैं भी राइट ही हूँ लेकिन क्रिकेट में बैटिंग लेफ्ट ही करता हूँ। तो ये कहना चाहता है वरुण कि वैसे तो आकृति अपने दाहिने हाथ का उपयोग करती है किंतु जब हत्या करती है तभी बाएं हाथ का प्रयोग करती है। तो क्यों ऐसी विचित्र बातें करता है? वैसे भी इस केस की हर बात विचित्र है। जैसे? जैसे कि प्रेमलाल कभी मुंबई आया नहीं, तो फिर उसकी तावीज मिस्टर सिन्हाल के फ्लैट में कैसे पहुंची? उसी प्रकार से बाबा मुस्तकीम, वो कभी जयपुर से बाहर गए नहीं, तो उनका कड़ा मिस्टर सिन्हाल के वहां कैसे पहुंचा? विचित्र बात है। सर, जो भी है सब आकृति का खेल है सर, केस को गुमराह करें। सर आप देख लेना, उसके बाल का DNA मैच इस केस का आखिरी सबूत होगा। सर, दवे को फोन लगा, पता लगा कि फोरेंसिक जांच क्या कहती है। सर भूल जाइए इंस्पेक्टर दवे को, अब तो उसकी जांच की जरूरत पड़ने वाली है। सर भाई साहब को इश्क हो गया। जी हाँ सर, इंस्पेक्टर रुक्मणी उस पर फिदा हो गए। वैसे दवे साहब, आप वर्दी में बड़े हैंडसम लगते हैं और नॉन यूनिफॉर्म में आप भी बड़ी वो लगती हो। वो क्या? वो खूबसूरत। वैसे दवे साहब, आपने मुझे अपना मुंबई शहर तो दिखाया नहीं, कम से कम अपना ये स्पेशल पुलिस स्टेशन ही दिखा दीजिए। चलिए। तो तुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने चेहरे पर गमछा पहनकर तुझ पर हमला किया वो आकृति थी? आकृति ने नहीं सर, उसने शायद किसी को सुपारी दी होगी। अच्छा, बता। कुटा हुआ तेज लाल मिर्च, जयपुर का, इसकी सुगंध मैं कभी भुला नहीं सकता। मसाला व्यापारी प्रेमलाल आकृति से मिला हुआ है? मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा।
भीमलाल जी। जी इसे पहचानते हैं आप? कैसे ही पहचान है आपकी भाया? अरे महक तुम्हारे ही दुकान के मसाले की है, राजस्थान से पुराना नाता लगता है आपको। आप ये बताइए कि ये गमछा आपके गोदाम के आपके दुकान के किसी कर्मचारी का है? कह नहीं सकता जी। क्या आपके दुकान से पिछले कुछ दिनों से कोई कर्मचारी लापता है या सारे उपस्थित है? हाँ है एक दो, हरिया और तारका। इन लोगों को मैंने शहर में एक अजीब आदमी के साथ घूमते देखा है। कैसा आदमी? ये तो नहीं वो? अरे हाँ यही है वो आदमी। अरे बड़ा खड़ूस दिखता साहब। अरे शहर में मैंने इसे घूमते देखा है। रमन से आगरा से मोजरियां बेचने आता है। आगरा से? सुनिए आगरा में तो जूतों की फैक्ट्री है, सबसे सस्ते जूते वहीं मिलते हैं, वहां से कोई जयपुर तक जूते लेने क्यों आए? यही सोचने वाली बात है सर, आखिर वो जयपुर आया क्यों? लगता है मेहर सिंह झूठ बोल रहा है। मेहर सिंह जी खम्मागणी। खम्मागणी साहब पधारो। ओ आपके यहीं आते हैं रमन सिंह की जूतियां लेने? हाँ साहब, पर आप लोग हमारी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते हो? भरोसा करने ही तो आए हैं मुंबई से जयपुर, इतनी दूर। ये बताइए कि रमन सिंह जी अब अगली बार कब आने वाले हैं? आज ही, किसी भी टाइम, पर पक्का नहीं है साहब। कोई बात नहीं, तवे साहब यहाँ रुकेंगे उनकी आवभगत करने के लिए। हम जरा आपके गोडाउन में जाकर देखते हैं कि आपकी जूतियों में ऐसा विशेष क्या है जो यहाँ से आगरा ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। निकलो यहाँ से बाहर, निकलो सारे यहाँ से बाहर, बाहर निकलो सारे, निकलो। उठाओ स्पीकर फोन। हेलो मेयर। हाँ हाँ रमन सेठ। रास्ता साफ है तो आ जाऊं? हाँ हाँ आ जाओ। माल तैयार रखना, यहाँ से सीधा बाय रोड निकलना है माल लेकर। ठीक है ठीक ठीक है सर। इन सारे बॉक्सेस पर रमन सेठ का नाम लिखा हुआ है, ये देखिए फॉर आगरा। इतनी सारी मोजड़ी है? या मिसेस बिलमोरे, थैंक यू मिसेस बिलमोरे। वरुण तेरी बात सच निकली, तुझे जो बाल डॉक्टर सिन्हाल के फ्लैट से मिला था उसका डीएनए मैच आकृति के साथ हो गया। आई न्यू इट सर, आकृति है इस सब के पीछे। मुंबई वापस चलते हैं सर और सारा सच आकृति से मालूम करते हैं। आकृति तो ऑलरेडी मुंबई पुलिस की हिरासत में है, तो हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? इसका मतलब यू टर्न सर? नहीं, अब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है इंस्पेक्टर रुकने। क्या आखिरकार मेहर सिंह के जूतों में क्या विशेष है जो यहाँ से आगरा ले जाने की जरूरत पड़ती? वरुण डब्बे को खोलना। ये विशेष बात है मेहर सिंह की जूतियों में, गन स्मगलिंग। इस मेहर सिंह की तो मैं, कहाँ है वो? कौन कौन भाई? मत, मैं जानता हूँ कि पुलिस वाले यहाँ आए हैं, इसके लिए आया हूँ उन्हें मारने के लिए। दिलावर भागने वाले में से ना है मेहर सिंह। और भाई समझा करो, अलर्ट हो जाएगा, चौपट हो जाएगा मेरा धंधा। तेरा धंधा छोड़, सारी जिंदगी खत्म कर दूंगा। कहाँ है वो पुलिस वाला? साले, तू भी उन कुत्तों के साथ मिला हुआ है, पहले उनको देखता हूँ फिर तुझे देखता हूँ। साला किडी,
सुमन सेठ और उसके आदमी हमें ढूंढ रहे हैं। लगता है कुछ गड़बड़ है। एक गन्स? गन्स मांग ले। निकल जा छोरे, थारा खेल खत्म। बाहर निकल के चलाओ गोली। आ जा आ जा आ जा। सिंह जी, दुर्भाग्यवश आपकी जूतियां आप ही के सर पे पड़ी। चलिए अभी इकबाल जुर्म कीजिए। रमन सेठ नाम, दिलावर, दिलावर सिंह नाम है हमारा, और मैं मेहर सिंह के साथ मिलकर बिहार, यूपी और झारखंड के माफियों को और अंडरवर्ल्ड को बंदूकें बेचने का काम करता हूँ। मेहर सिंह जी के मोजड़ियों के व्यवसाय की आड़ में। जी हाँ, अदालत आपसे ये जानना चाहती है दिलावर, आपका ये जो कांड था, इसके साथ में मिस्टर सिन्हाल का क्या लेना देना था? वो बुड्ढा सिन्हाल तो मेहर सिंह के खिलाफ आगे से ही कोई केस लड़ रहा था। वो तालाब के प्रदूषण को लेकर, बस उसी केस के सिलसिले में वो बुड्ढा सिन्हाल मेहर सिंह के जूते के कारखाने में आ गया और हमारा असली धंधा देख लिया। अर्थात सिन्हाल साहब गलत समय पर गलत जगह पर थे। जी, इससे पहले हम उस बुड्ढे को रोक पाते, वो घबरा कर मुंबई भाग गया। उसके बाद मेहर सिंह या तो अपने हाथों से या अपने किसी आदमी को भेजकर उसका काम तमाम कर डाला। ताकि हमारे हथियारों का व्यापारों का राज राज ही रहे। तो आपके कथन के अनुसार इस हत्या के पीछे मेहर सिंह जी का? उस बुड्ढे सिन्हाल के मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं उसमें शामिल था और ना ही उसमें मेरी कोई मंजूरी थी। यह सारा काम उस अकेले मेहर सिंह का था। ऐसा है तो फिर केस खत्म हो गई। मेहर सिंह को अपने किए की सजा तो मिल गई, क्यों केड़ी? अब उसके आत्मा को कैसे सजा दिलवाओगे? क्यों केड़ी? कांक खो गए हो मिस्टर केड़ी? नहीं यार, राणे साहब खोया नहीं था, सोच रहा था, खोज रहा था सत्य की खोज। अब क्या खोज रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा मौत के लिए छूट गया। राणे साहब, मेरा उत्तरदायित्व केवल मेरे मुवक्किल को छुड़वाना नहीं बल्कि न्याय दिलवाना भी है, अपराधी को दंड दिलवाना भी है। और मुझे लग रहा है योर ऑनर कि अब तक मिस्टर सिन्हाल के साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि उनके हत्यारे को दंड नहीं दे पाए हैं हम। उनका हत्यारा अभी भी खुला घूम रहा है। तो क्या मेहर सिंह कातिल नहीं है? मेरा ऐसा मानना है योर ऑनर, क्योंकि जिस समय हत्या हुई उस समय मेहर सिंह जी जयपुर में ही थे, और वैसे भी मेहर सिंह जी अपने दाहिने हाथ का प्रयोग करते थे, बाएं हाथ का नहीं। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर की हत्या मेहर सिंह जी ने करवाई अपने किसी आदमी को मुंबई भेजकर, जो अपने बाएं हाथ का प्रयोग करता है,
और महल सिंह जी की हत्या भी उसी व्यक्ति ने की, इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंच जाए। ये आप कैसे कह सकते हैं? राणे साहब, आपने महल सिंह जी के मृत शरीर की तस्वीरें तो देखी होंगी। उन पर वार यहाँ उनके माथे के दाहिने हिस्से पर किया गया था, जिसका अर्थ यह होता है कि किसी बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले व्यक्ति ने उन पर वार किया। यूरन और उस समय उस मोजड़ी के कारखाने में या महर सिंह जी के दुकान में जितने भी लोग उपस्थित थे वो सारे दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं, राइट हैंडेड है। संभवतः एक व्यक्ति को छोड़कर, यहाँ नीचे नीचे बोलो बच्चा। ये तावीज आप ही ने अपने ही किसी मुरीद को दी थी? ये जो क्रमांक, दिन क्रमांक लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तावीज आपने प्रेमलाल को दी थी? हाँ बेशक। किन्ना, ये जो तावीज है जिस पर ये दुआ पर दिन क्रमांक लिखा हुआ है, इससे अलग है। 952 ये तावीज आपने किसे दी थी? पहचान सकता हूं, पहचान सकता हूं। ये मैंने अपने किसी दूसरे मुरीद को दिया था, मुझे याद है। किसी दूसरे मुरीद को दिया? हाँ हाँ। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने जिस मुरीद को तावीज दी थी, उस मुरीद ने उस तावीज को हटाकर प्रेमलाल की तावीज से मुरीद बदल दी थी, तभी आपको प्रेमलाल की तावीज दिखाई गई थी और आपने कहा कि वो प्रेमलाल की है, इसमें आपकी तो कोई भूल है नहीं। तावीज बदल गया है, पर कैसे? ये तावीज तो इंस्पेक्टर दवे के पास थी। हाँ राणा साहब, ये तावीज इंस्पेक्टर दवे के पास थी, लेकिन असली तावीज की फोटो मेरे पास थी। स्पष्ट है कि इंस्पेक्टर दवे से लेकर ये तावीज बदल दी गई थी। बाबा नीचे। हाँ हाँ बोल बोल बच्चा बोल। बाबा ये 952 इस क्रमांक की तावीज आपने किसको दी थी? हाँ हाँ याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, तावीज मैंने किसे दिया था याद आ रहा है मुझे। वो सामने बैठी है इंस्पेक्टर रुक्मणी शेखावत। सामने है, देख ले बच्चा। इंस्पेक्टर रुक्मिणी शेखावत, आप ही ने दवे के पास से तावीज ली? असल तावीज जो आप ही की थी और उसकी जगह में नकली तावीज बाबा मुस्तकीम को दी ताकि ये खोज प्रेमलाल तक पहुंच जाए। उस दिन जिस समय महर सिंह जी की हत्या हुई, दुकान में, दुकान के आसपास गोदाम में चार ही लोग थे, इंस्पेक्टर दवे, मैं, मेरे सहायक वरुण और आप, और हम चारों में से केवल आप बाएं हाथ का प्रयोग करती है, लेफ्ट हैंडेड है। तो कुल मिला के तावीज आपने बदला, बाबा मुस्तकीम का कड़ा आप ही ने उन जेवरात और रुपयों के साथ में रखा, आप ही ने महर सिंह जी की हत्या की, और मुझे पूरा पूरा संदेह है कि इंस्पेक्टर दवे को शिकार बनाकर आप ही ने अपना बाल, जो वहां घटनास्थल से बरामद हुआ था, उसकी जगह में बेचारी आकृति का बाल डाला ताकि उसे फंसा सके। और ये सब आपने इसलिए किया क्योंकि महर सिंह ने मिस्टर सिन्हाल की हत्या करने के लिए मुंबई एक आदमी को नहीं, एक महिला को भेजा था, और वो महिला आप है। मैं आपको नहीं 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 मुझे नहीं लगता, नहीं, शुरू से आप इस केस पर थीं और आपने कभी बाबा मुस्तकीम, कभी प्रेमलाल, कभी कोई, आपने इस केस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, पूरा प्रयत्न किया। नहीं सर, आप गलत हैं। अच्छा। 20 नवंबर को मैं जयपुर में ही थी मैं जयपुर में, केडी पाठक। मैं आपको स्मरण करा दूं इंस्पेक्टर रुक्मिणी शेखावत की, आप एक सरकारी नौकर हैं
और आप जयपुर में थी या नहीं थी, ये बात साफ हो सकती है अगर आपके पुलिस स्टेशन पर एक फोन कॉल चला जाए तो। आप जयपुर में नहीं थी, आप यहीं थी मुंबई में, आप ही ने मारा है मिस्टर सिन्हाल को, am I right? और am I right? रुकनी जी, अभी बचने का ना कोई अवसर बचा है ना ही कोई रास्ता। ठीक कह रहे हैं आप केडी पाठक, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। तो फिर सारा सच सुनिए। मिस्टर सिन्हाल ने जब महेश सिंह के कारखाने में हथियार देखे तो वो सीधा मेरे पास आए। उन्होंने आके सारी बात मुझे बताई और वो चाहते थे कि मैं कोई एक्शन लूं। मैंने उनको भरोसा दिलाया और मैंने उनको कहा कि अब आप आराम से मुंबई जाइए। वो चले गए। उसके बाद मैं सीधा महर सिंह के पास गई। पर यहाँ पे सिन्हाल ये नहीं जानता था कि मैं महर सिंह के लिए काम करती हूँ। उसके हथियार के व्यापार में मैं भी कमीशन लेती हूँ। बस मैंने महर सिंह को जाकर सारी बात बताई और मैंने उसको बोला, देख भाई, सबको सारी बात तो पता चल गई है, मेरी कमीशन बढ़ा दे, मैं सिन्हाल को मार दूंगी। इसीलिए महर सिंह के आदमी सज्जन सिंह की मदद से मैंने सिन्हाल पे नजर रखनी शुरू कर दी। इसी बीच पता चला कि उसकी दुश्मनी शर्फू नाम के एक आदमी से है जो कि वहां का चौकीदार है। बस इस बात का फायदा उठाया और उस रात सिन्हाल को फोन मैंने ही किया था। हाँ, और आप ही ने उस बेचारे दुकानदार से झूठ बुलवाया कि वो फोन कॉल आकृति ने किया है। हाँ, पुलिस की धौंस पे कुछ भी करा सकती है पुलिस सर। उसके बाद मैं चोरी से सिन्हाल के घर गई। उसकी बदकिस्मती, दरवाजा खोला उसने, बस। उसके बाद अंदर गई, जाके मैंने चोरी भी की, कुछ जेवरात कैश वैश लेके वहां से भाग। वहां से मैं भाग गई पर उसी समय मैंने वहां पे शर्फू को देखा। वापस आई, शर्फू को पीछे से एक मारा, बेहोश हो। और उसके बाद मैं सीधा जयपुर आ गई। हाँ, और जब इंस्पेक्टर दवे और मेरे सहायक वरुण जयपुर पहुंचे तो आपने उस केस को एक अलग ही रुख देना शुरू कर दिया, वही जो आप चाहती थी। वो तावीज, वो बाल, वो कड़ा, सब मैंने बदला ताकि मैं इस केस को इधर से उधर घुमा सकूं। लेकिन बीच में आप आ गए केडी साहब, सारा खेल बिगाड़ दिया आपने। सीधे पहुंच गए उस महर सिंह के पास, बस फिर मुझे उस महर सिंह को मारना पड़ा आपकी वजह से। अक्सर ऐसा हुआ है मेरे साथ इंस्पेक्टर रुक्मिणी, बीच में आकर मैं गड़बड़ कर देता हूँ, लोगों का खेल खराब कर देता हूँ। क्योंकि क्या है ना, अंततः परम सत्य तो ये है कि सत्य तो सत्य है और एक दिन सत्य को बाहर आना ही है, जैसा कि आपके साथ इस समय हो रहा है। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत इंस्पेक्टर रुक्मिणी सिंह शेखावत को मिस्टर विश्वजीत सिन्हाल और मिस्टर मेहर सिंह के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन हिरासत में लेने का हुक्म सुनाती है और मिस्टर शर्फुद्दीन शम्स को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। इंस्पेक्टर दवे, आई एम सॉरी। चलिए, शुभकामनाएं नहीं देंगे,
केडी सर। शाबाश बच्चा शाबाश। जी बाबा। बहुत अच्छे। बाबा का करामती कड़ा जो पिछड़ों को मिलाता है, बेटे को बाप से, भाई को भाई से, रखो हमारी तरफ से। अच्छा, बेटे और पिता को मिलाता है। हाँ। देखते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.